आप देखो, ये तो मैं हूँ और ये पहाड़ी है और ये चेतन भैया की हालत खराब हो रही है। भैया राम, भैया क्या हालचाल, सब चकाचक। देखो भैया, सीन कुछ ऐसा हो गया है कि आज इतवार का दिन है, रविवार का दिन, और अपना मन था आज फुल पार्ट आराम करने का। अपन अपने कमरे में चद्दर तान के सो रहे थे भाई, फर्स्ट क्लास सो रहा था मैं तो, और चेतन भैया का फ़ोन आ गया कि चेतन भैया इंदौर आए हुए हैं। मतलब आप देखो भाई, पिछले संडे अपन उनसे उनके गांव में जाके मिल के आए हैं, इस संडे वो यहाँ पे आ गए, और आ तो गए भैया, आ गए भाई, उनकी मर्जी है, अपन कहीं नहीं बोल सकते उसमें। लेकिन आके क्या बोल रही है कि घूमने चलना है कहीं। अब भाई मैं यहाँ अपने मस्त सूर्या था और बीच में से उठा के क्या बोल रहा है कि कहीं घूमने चलना है। नहीं, घूमने चलना है तो चलना भाई, जगह भी तो बता कहाँ जाना है भाई। जगह भी नहीं बता रही है कि कहाँ जाना है, बस बोल रहा है तुम तो आ जाओ, मेरे को यहाँ से गाड़ी बिठा लो, उसके बाद अपन देख लेंगे कहाँ चलना है। तो भाई चलो, इतनी दूर से आदमी आया है, अपन भी इंदौरी आदमी, दिल के बड़े आदमी हैं, तो अपना भी फर्ज बनता है भाई कि उनके पास अपन चले जाएँ। तो अपन यहाँ से निकलने वाले हैं, और कार वार नहीं ले जाने वाला भी हमें, हाँ कार नहीं ले जाऊँगा, बाइक से अपन चलने वाले हैं आज, और मोटो व्लॉगिंग करने वाले हैं। GoPro अपना सेटअप अपन ने कर लिया है अपने हेलमेट के ऊपर, और माइक वगैरह भी अपन ने सब सेटल कर दिया है, लेकिन थोड़े बहुत दिक्कत आ सकती है। तो आज आपको मोटो व्लॉगिंग देखने के लिए मिलेगी, चेतन भैया के घर तक अपन चलते हैं, उसके बाद में आगे देखते हैं कहाँ जाना है। वैसे चांसेस प्रोबेबली यही है कि वहाँ से हम लोग देवास चले जाएंगे, या तो या आसपास को कोई वाटरफॉल होगा 30-40 किलोमीटर में, तो वहाँ पर चले जाएंगे। तो चलो भैया, यहाँ से फटाफट अपन चाल पकड़ते हैं और चेतन भैया के यहाँ चलते हैं। भाई साहब, यह कॉलोनी तो यही है, गली कौन सी है, कॉलोनी तक मैं हमेशा आ जाता हूँ, लेकिन इसकी गली में हमेशा कंफ्यूज होता हूँ। ये थी भाई एक नंबर, ये है दो नंबर, इसका घर शायद चार नंबर में है, तो ये भाई साहब ये है तीन नंबर गली, ये चार नंबर है आई थिंक। गली गली कहने की गली है भाई साहब, गली में जगह तो छोड़ ही नहीं रखी है गाड़ी निकालने की, लेकिन हाँ यही वाला है। चलो भाई, फाइनली अपन चेतन भैया के यहाँ तो पहुँच गए हैं। उसको बोला था नीचे आके खड़ा रहना, लेकिन नीचे खड़ा है नहीं वो, और आई डोंट नो तैयार भी है कि नहीं है। ये चेतन भैया का फ्लैट है रॉयल राजपूताना, और चेतन भैया किधर है, चेतन ओह तैयार खड़े हैं साहब, तैयार। मेरे को तो लगा था भाई तैयार नहीं होंगे। हाँ भैया, तो फाइनली चेतन भैया ने बता दिया है कि देवास ही चलते हैं, कोई दूसरी जगह हमको मिली नहीं, तो देवास सबसे पास माता के मंदिर जाएंगे, और स्टॉप लगाया है अपन ने गन्ने के रस का, क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है, मतलब अत्था गर्मी, फरवरी का महीना है, गर्मी ऐसी पड़ रही है जैसे अप्रैल चालू हो गया, भगवान जाने अप्रैल में क्या होएगा, मई में क्या होएगा। तो अपन ने सोचा भाई, जितने टूर लगाने हैं, जितनी छोटी छोटी ट्रिप लगानी है, वो अभी लगा लें, मार्च अप्रैल मई में अपन करेंगे आराम, और गन्ने का रस अपना बन रहा है। राम प्यारी को पेट्रोल पिलाना है, ये एक चीज़ अपने को याद रखनी है भाई, राम प्यारी में पेट्रोल नहीं है, उसको पेट्रोल पिलाना है, बाकी फिर चलते हैं देवास। एक मित्र है देवास में भी अपने, उनसे जा कर के मुलाकात कर लेंगे, कभी खाने पीने की जुगाड़ हो जाए। भाई फ्रीफंड का श्रीखंड किसको नहीं पसंद है यार, तो आज अपन फ्रीफंड के श्रीखंड के जुगाड़ में हैं, देखो क्या होता है, चलते हैं आगे।
गन्ने के रस का आनंद ले लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। देखो ये अपना इधर रखा हुआ है और इधर आनंद लिया जा रहा है तबीयत से। ओ भाई साहब, राम प्यारी के भोजन की व्यवस्था कर दी जाए। अब पेट्रोल किधर है? हाँ प्यारी, में अपन डलवा लेते हैं साहब 200 का, 200 रुपए लीटर नहीं हुआ भाई साहब, 99 है। हाँ भाई, तो यहाँ पर अपने मित्र से अपन मिल तो लिए हैं, नया धोया नहीं है तो अभी नहीं आ रहा है, समय नहीं है भाई साहब के पास में, तो अभी इसने अपने को एक बढ़िया सी जगह बताई है, शंकर क्या है रे? शंकरगढ़ की पहाड़ियाँ। ये मैप पे तैयार है भाई, तैयार है, टोपी वोपी तैयार है। तो अब यहाँ से अपन निकल रहे हैं, फिर जाएंगे देवास टेकरी माता जी के यहाँ पे, तब तक भाई नहा लेगा अपना नीला दूल्हा के ले जाएंगे इसको। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, भोजन वोजन करवा दिया भाई ने बढ़िया फर्स्ट क्लास अपना स्वीट्स पे, एक एक छोले कुलचे और एक एक क्या खाया अपन ने, चीज चटनी छोला कुलचा एक और दो चीज चटनी, 200 रुपए की 12 बजे ठीक है, भोजन पेट के लिए करना पड़ता है। निकलते हैं फटाफट यहाँ से और आगे के विजुअल्स बताता हूँ। भाई पार्किंग तो यही बोला है, आगे रास्ता और है, चढ़ जाएगी गाड़ी भाई साहब, गाड़ी चढ़ाई जाए कि नहीं चढ़ाई जाए इस पे? नहीं चढ़ेगी यार, उतार के चढ़ानी पड़ेगी, तो सिंगल में नहीं चढ़ेगी। सिंगल में चढ़ाओ, फर्स्ट गियर में जान दो, नहीं चढ़ेगी, चली जाएगी, अरे चली जाएगी, पक्का पक्का। पूरी कोशिश है, पाँव मत लगाओ, बस जोर लगा के और गियर लगा के भी। अरे बंद नहीं करना था यार गाड़ी, टायर फंस गए क्या? अरे यार किया जाए अब इसका, इससे ज़्यादा ऊपर तो नहीं जा रही भाई, चालू करके ले जाना पड़ेगी, ऐसे नहीं जाएगी, फिर अपने उतारने में भी दिक्कत आएगी, या तो इसको अपन यहीं पार्क कर देते हैं, ऐसा कर दो, पैदल चलते हैं। तो अब नीचे कैसे ले जाओगे? अब नीचे कैसे ले जाएं, तेरे को पीछे से पकड़ना पड़ेगा पीछे हाथ लगाना पड़ेगा धीरे धीरे। हाँ यही करते हैं। मैंने बोला था नहीं चढ़ेगी। अरे क्या हुआ? अरे टायर फटा उसका, टायर फटा है। ओ भाई पूरा दम लगा लिया पर नहीं चढ़ी गाड़ी, तो नहीं चढ़ी भाई। अपने राम प्यारी में इतनी ताकत नहीं है यार कि इतनी ऊपर चढ़ जाए। तो अब यहाँ से उस तरफ से उतरी पैदल चलेंगे। भाई साहब की हालत देख लो, भाई साहब ने उतरवाने में काफ़ी मेहनत करी है, हाथ ला ये अब हमारी रामपेरी यहाँ हमने पार्क कर दी है। वैसे तो पार्किंग स्थल यही है, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि पार्किंग यहाँ पे करना है, पर अपन ने थोड़ी सी हेगड़ी लगाई कि नहीं भाई चढ़ा लेंगे।
बढ़िया भाई, बिना बिना प्लानिंग की ट्रैकिंग हो गई। ये देख लो, ये अपनी राम प्यारी के, ये अपने राम प्यारी के निशान है भाई। साफ बनाओ, ये देखते जाओ, यहाँ तक कोशिश करी थी मैंने, थोड़ा और ऊपर तक, बस यहाँ पे आके इतनी सी दूर और था, लेकिन मेरी राम प्यारी दम नहीं मारी भाई, मना कर दिया। बस उसने बोल दिया, नहीं भैया मैं तो नहीं जाऊंगी ऊपर, हमसे ना हो पाए। तो अब अपने को पैदल जाना है। अच्छी बात यह है कि थोड़ा घना पानी लेके आ गए अपन पीने का, नहीं तो तक धीना दिन हो जाता काम काज। ऊपर कुछ व्यवस्था तो दिख रही है बाबू, कुछ तो है अंदर, पार्टी वार्टी चल रही भाई, जबरदस्त सही है। उधर कुछ है शंकरगढ़ स्मृति वन, ओ हो 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 हो, उधर की तरफ देखो, मेरे को क्या देख रहे हो। और वहाँ पे ऊपर जाना है, क्या है वहाँ पे जाएंगे, नंबर जगह मैं दौड़ के गया, दौड़ के आया ऊपर, अरे वाह, बैठने की जगह मैं तो भाई। अब वहाँ चलने का है अपने को, पानी पी के चलेंगे, पानी वानी पीना पड़ेगा भाई साहब। तो दौड़ के जाके आ गए यार, समझ में नहीं आ रहा इतना ऊपर कैसे दौड़ के आ गए भाई साहब। यहाँ तक गाड़ी भी ले आए अपनी राम प्यारी ने, अलग दम तोड़ दिया। चेतन भाई भी, चेतन भाई भी, चेतन मतलब मेरी कुंडली में चेतन ही लिखा हुआ है, चेतन इनके सामने ही साथ में लिखी हुई है। चलो भाई पानी वानी पी लेते जरा सा, फिर चलते ऊपर और देखो ऊपर से कैसा रहता है। वैसे तो भाई यहाँ से इतना बढ़िया लग रहा है, तो ऊपर से तो मजा आना ही है, एक बार घूम के देख लो, आनंद ही आनंद। थोड़ी सी गर्मी है पर अब चल सकता है काम, ऊपर आके थोड़ी हवा भी चल रही है, तो बढ़िया लग रहा है। पानी वानी पी लेते हैं, फिर आगे का हिमालय चढ़ना है, वो हिमालय चढ़ते हैं, फिर मिलते हैं।